दोस्त एपिसोड की शुरुआत में सिटी मेले में हमें हॉकाई को दिखाया जाता है जो बोतल गिराकर टेडी बेयर इकट्ठा कर रहा होता है, तभी उसे कोई खींच लेता है। वो नताशा होती है। नताशा बोलती है मॉलिक्यूलर मैन फिर से लौट आया है। हॉकाई बोलता है वही मॉलिक्यूलर मैन जिसकी वॉन्ड किसी भी चीज को किसी और ही मॉलिक्यूलर में ट्रांसफॉर्म कर सकती है। आखिरी लड़ाई में मैंने तो उसे अपने एक्सपर्ट शॉट से डिफीट कर दिया था, हमें तुरंत अपनी टीम को बुलाना चाहिए। नताशा बोलती नहीं, फ्यूरी ने ऑर्डर दिया है कि किसी भी तरीके से वो वॉन्ड टोनी के हाथ में लगनी चाहिए। तभी वहाँ पर हॉकाई आता है और दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर पूछता है नताशा और हॉकाई तुम दोनों यहाँ पे क्या करो। वो दोनों बहाने मान लगता है, जिस पर हॉकाई बोलता है दोस्त अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, और हॉकाई वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें दोनों को दिखाया जाता है जो मॉलिक्यूलर मैन का पीछा कर रहा था, लेकिन तभी मॉलिक्यूलर मैन भागने लगता है। हॉकाई और नताशा को लगता है कि मॉलिक्यूलर मैन उनको देखकर भाग रहा है, लेकिन वो एम एजेंट से भाग रहा है। मैन बोलता है ये मेरे पापा की वॉन्ड है, जिस पर हॉकाई बोलता है ये मॉलिक्यूलर मैन तो नहीं है, ये जरूर उसका बेटा होगा। जिसके बाद वो मॉलिक्यूलर मैन अपनी पावर का इस्तेमाल करता और एम एजेंट को कचरे में फंसा देता है, जिससे हॉकाई और नताशा भी बाल बाल बचते हैं। पर मॉलिक्यूलर मैन खुद के बनाए कीचड़ में धंसने लगता है। यहाँ पर हॉकाई बोलता है बच्चे के हाथ में पावर तो है, लेकिन उसे नहीं पता कि उससे करना क्या है। जिस पे नताशा बोलती है बस इसीलिए वो बॉन्ड हमारे पास होनी चाहिए। तभी वहाँ पे और एम्स एजेंट आने लगते हैं। नताशा और हॉकाई मिलकर मॉलिक्यूलर किड को बचाने की कोशिश करने लगते हैं, पर मॉलिक्यूलर किड नताशा और हॉकाई को दुश्मन समझकर उन पर हमला कर देता है, जिससे हॉकाई और नताशा दूर जा गिरते हैं। हॉकाई मॉलिक्यूलर किड से बोलता कि हम एवेंजर्स है अच्छे लोग, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। जिस पर मॉलिक्यूलर किड बोलता है ठीक उसी तरीके से जैसे तुमने मेरे पिता की मदद की थी उन्हें दूर भेजकर, तुम सब एक जैसे हो। और मॉलिक्यूलर किड हमला कर देता है, पर हॉकाई और नताशा किसी तरीके से बच जाते हैं। लेकिन तभी मॉलिक्यूलर किड दोबारा हमला करता है और वहां से भाग जाता है। जब मॉलिक्यूलर किड देखता है वो अभी भी पीछा कर रहे हैं, तो वो बोलता मुझे अकेला छोड़ दो और उन पर कार गिरा देता है। नताशा को बचाते हुए बोलता नताशा क्या तुम मम्मी की तरह एक बार मॉलिक्यूलर किड से बात कर सकते हो। जिस पर नताशा बोलती है सीमा में रहो हॉकाई, और फिर से मॉलिक्यूलर किड को रोकने जाते, लेकिन इस बार वो शहद का दलदल हॉकाई और नताशा के लिए बनाता है और वहां से निकल जाता। तभी वहां पर कैप पहुंचते हैं। कैप बोलता तुम दोनों एक मिशन पे और हमें नहीं बताया, जिस पर नताशा बोलती है फ्यूरी ने हमें ऑर्डर दिया कि टोनी को इस मिशन से दूर रखा जाए। कैप बोलते मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तभी एडेप्टॉइड मॉलिक्यूलर किट पर हमला करता है और पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन यहाँ पर हॉकाई अपने शॉट से एडेप्टॉइड को गिरा देता। कैप्टन अमेरिका मॉलिक्यूलर किट को बचाते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर किट उन्हें ही बांध कर वहां से निकल जाता है। अब हॉकाई आता, वो बोलता कि मैं जाकर कैप्टन को छुड़ाता हूं, तब तक तुम जाकर मॉलिक्यूलर किट को एडेप्टॉइड से बचाओ। लेकिन एडेप्टॉइड उन पर भारी पड़ने लगता, तभी हॉकाई और कैप भी वहां पर पहुंच जाते हैं। एडेप्टॉइड को मोडो कंट्रोल करा, तो वो बोलता कि तुम इससे एक्सपेरिमेंट करोगे लेकिन हम इस वॉन्ड से राज करेंगे। फिर से मॉलिक्यूलर किड धोखा देता और वहां से भाग जाता है। मॉलिक्यूलर किड भागते हुए बोलता है मुझे अकेला छोड़ दो, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तभी वहां पे नताशा आती है और बोलती है तुम चाहो ना चाहो पर नुकसान हो रहा है। एरन तुम्हारे पास जरूरत से ज्यादा ताकत है, तुम ये वॉन्ड मुझे दे दो, मैं इसे कहीं सेफ जगह रख दूंगी। तभी वहां पर हॉकाई आता और बोलता मैन टू मैन बात करने दो, और यहां पर नताशा और हॉकाई आपस में लड़ने लगता है, जिससे मॉलिक्यूलर किड गुस्सा हो जाता और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे एक अलग ही डायमेंशन बन जाता। तभी वहां पर आयरन मैन पहुंचता है, छोटा सा हमला करके मॉलिक्यूलर किड को हरा देता और बॉन्ड ले लेता है, और बोलता कि तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया, मुझे पता ये फ्यूरी होगा जिसने तुम्हें मना किया होगा, लेकिन इस वॉन्ड के पीछे का साइंस अगर मैं जान लूं तो मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन से मैं क्या कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तभी मॉलिक्यूलर किड वो वॉन्ड छीन लेता है, हमला करने जाता है, लेकिन आयरन मैन उसे तोड़ देता है। तभी उससे एक एनर्जी प्रोजेक्ट होती है जो सभी को अपने अंदर खींच लेते। आयरन मैन बोलता कमाल हो गया, उस वॉन्ड के टूटने से रिफ्ट बन गई जिससे हम मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में पहुंच चुके हैं, ये कितने कमाल की बात है ना। पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, हमें घर पहुंचाने वाली बॉन्ड टूट चुकी है। मॉलिक्यूलर किड बोलता है मैंने सोचा था कि मैं अपने पापा का नाम सुधार सकता हूँ, उनके नाम पे लगी काली को अपनी अच्छाइयों से मिटा सकता हूँ, लेकिन मैंने दुनिया को और बर्बाद कर दिया। हॉकाई मॉलिक्यूलर किड के पास आता है और बोलता अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई, हम सब कुछ सही कर सकते हैं। पर तभी एडेप्टॉइड हमला करता है और बॉन्ड को छीन लेता है, इसके बाद वो खुद को अडेप्ट करके यूनिवर्स को तबाह करने लगता है। एवेंजर्स एडेप्टॉइड को रोकने की कोशिश करने लगता है, जिसमें मॉलिक्यूलर किड भी उनकी मदद करता है। मॉलिक्यूलर किड के हमले से एडेप्टॉइड कुछ देर के लिए डिसेबल हो जाता है। तभी हॉकाई बोलता है दोस्तों मॉलिक्यूलर वर्ल्ड खत्म हो रहा है, अगर ये खत्म हो गया तो पूरा यूनिवर्स भी खत्म हो जाएगा। नताशा मॉलिक्यूलर किड के पास जाती है और बोलती है हमें तुम्हारी जरूरत है, एरन तुम ही हो जो इसे रोक सकते हो। जिस पर एरन बोलता है नहीं, मुझे लगा था कि मैं अपने पापा जैसा नहीं हूं, मैं कुछ अलग हूं, मुझे लगा था कि मैं इससे कुछ अच्छा कर सकता कुछ बेहतर, लेकिन देखो मैंने सब कुछ पत्थर कर दिया है। हॉकाई मॉलिक्यूलर किड के पास आता है और बोलता तो यही वक्त है खुद को गलत साबित करने का, टोनी बोलता और इसमें हम तुम्हारी मदद करेंगे। इसके बाद एरन पे पूरी पावर लगाता है, जिसमें टोनी भी उसकी मदद करता है। एरन टूटी वॉन्ड को वापस जोड़ देता और पूरी पावर के साथ मॉलिक्यूलर वर्ल्ड को बचाने में लग जाता है, जिसमें एडेप्टॉइड ठीक होते ही जा गिरता है और उसका खेल एवेंजर्स खत्म कर देते हैं। यहाँ पे निक फ्यूरी पहुंचता है और बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो टोनी। टोनी बोलता है निकी तुम इसे तो जानते हो, ये बच्चा बहुत ही काबिल है, अगर इसे सही गाइडेंस दिया जाए तो ये अगला एवेंजर बन सकता है। हॉकाई बोलता है शील्ड का एक प्रोग्राम है
जिसमें टीनेजर्स को ट्रेन किया जाता है। मैंने सही कहा ना फ्यूरी, जिस पे फ्यूरी कहते हैं। बच्चे तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम्हें बेहतरीन लोग रेकमेंड करें, तो चलो हमारे साथ, अब देखो तुम्हें कितनी काबिलियत है। एलन एवेंजर्स को थैंक यू बोलकर वहां से चला जाता है, जिस पे आयरन मैन बोलता है कांग्रेचुलेशन दोस्तों, जिस पे नताशा बोलते हैं तुमसे बात छुपाने के लिए। आयरन मैन बोलता है नहीं, उसके लिए तो मैं अभी भी नाराज हूं, लेकिन तुम्हारी वजह से बच्चे का भविष्य सुधर गया और शायद अब वो भविष्य में कुछ बन पाए। ये बहुत बड़ी जीत है दोस्तों, खासकर तुम दोनों के लिए। और इसके साथ ही एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। दोस्तों आपको एपिसोड कैसा लगे जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले। पिछले एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।